मतदान के बीच कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। हाईकमान करेगा मुख्यमंत्री का चयन। देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है। कुमारी सैलजा ये कह रही हैं कि हाईकमान तय करेगा और हाईकमान अनदेखी नहीं करेगा। सीएम के लिए विचाराधीन लोगों में सैलजा भी एक होंगी। हाईकमान पर मुझे पूरा भरोसा है। हरियाणा में आज वोटिंग है और वोटिंग से पहले कुमारी सैलजा ने सीएम पद के सवाल पर ये जवाब दिया। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में बाय एंड लार्ज नहीं डिक्लेयर करती है, किसी को भी नहीं करती। आपने देखा, अभी भी नहीं किया है, बाय एंड लार्ज नहीं करते। दैट ओनली हाई कमांड विल हैव टू आंसर, ओनली हाई कमांड विल हैव टू डिसाइड। देयर आर फ्यू पीपल हु वुड बी इन द कंसिडरेशन जोन एंड आई थिंक सैलजा वुड बी देयर। देखो, सीनियोरिटी में, काम में, इन सब चीज़ों में, नाम और पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल डिसीजन ही तो हाईकमांड देखेगा। तो ऐसे उसमें सैलजा को हाईकमांड नज़रअंदाज तो नहीं करेगा। माय कमिटमेंट टू द पार्टी हैज नेवर बीन इन क्वेश्चन। जी, दैट इज वन थिंग दे नो एंड दे आर श्योर ऑफ। सैलजा के बयान पर दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ इस तरह से जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया है, तो जो बात है वो तो जो कह रहे हैं वो तो कोई गलत नहीं बात है। वो तो कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया होती है, पहले एक बार नतीजा आ जाए, कांग्रेस की सरकार बने और उसके बाद कांग्रेस का हाईकमांड फैसला करता है। बीजेपी ने कहा सैलजा को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किए जाने से एसटी समुदाय के लोग नाराज हैं। कांग्रेस ने सैलजा को गाली दिया है, उनके जातियों को लेकर के पूरा वायरल हुआ है। एससी के लोग कांग्रेस से नाराज हैं, सैलजा को डिक्लेयर नहीं किया, इसीलिए आज भी राहुल गांधी बताएं वहां का कांग्रेस हुड्डा का है या राहुल गांधी का है।